नमस्कार, इस समय उपस्थित है जनपद बलिया में और बिलसरा रोड विधायक हंसूराम जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी जो है जिस तरह से जो कार्यक्रम किया गया आज खास बात करते हैं, आगे बताने का प्रयास करेंगे। और बिलसरा रोड के जो विधायक हंसूराम जी है यहाँ पे आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? देखिए, मुख्य मार्ग से एक बिठुआ के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत एक रोड का निर्माण किया गया है और यहाँ पर अवाये में मुख्य मार्ग से अंदर की रास्ता जो थी करीब 200 मीटर ये इस रास्ते का सीसी रोड का निर्माण हुआ है। देखा जाए तो आज सपा पार्टी के जो मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी है, आज उनको मंत्रालय दिया गया है और कहा जा रहा है कि विकास बहुत बढ़ चढ़ कर किया जाएगा। क्या लग रहा है कि बेलथरा रोड में जो विकास की जो धारा रुक गई थी, आज आपको जो अवसर मिला है, यहाँ किस तरह का विकास को जो है चौमुखी विकास देने का जो है सोच रखा गया? देखिए, मेरा पहले से प्रयास रहा है कि मैं इस क्षेत्र के लोगों ने मेरा सम्मान बढ़ाया है तो जो मेरे द्वारा जितना भी अधिक प्रयास हो सकता है यहाँ का विकास किया जाए और वह मैं उसमें बहुत कुछ सफल हूँ और मैं विकास कार्य में लगातार लगा हुआ हूँ। जो 13 को उपचुनाव होना तो 20 तारीख का ऐलान कर दिया गया, जब विपक्ष बार बार हमला और छठ पूजे में सभी लोग आए हुए थे, अगर चुनाव मतदान होता तो वोट प्रतिशत बढ़ता, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती, इसलिए भाजपा जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया। देखिए, इसमें क्या होता क्या नहीं होता ये केवल अटकलबाजी है जी। अगर वोट कब पड़ता कब नहीं पड़ता, 20 को भी तो वोट पड़ रहा है, उस 20 को वोट होगा, जो भी होना होगा, जिसको जीतना होगा जीतेगा, मेरी ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं। अच्छा, यहाँ की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो जनता से आपने आज मुलाकात भी किया, कुछ समस्याएं भी सामने मिली होगी? देखिए, समस्याएं मुख्य रूप से जो ये सड़क का हमने निर्माण कराया है, यहाँ पानी निकास की एक समस्या है, वहाँ पर नाली बनाने की बात आई है, मैंने वादा किया कि यह नाली बनाकर वहाँ पर गढ़ी है एक, वहाँ पर पानी गिरा दूंगा, इससे यहाँ के जो भी वाटर लॉगिंग की समस्या जो होती रही है, जल भराव की समस्या रही है, उससे निजात मिलेगी। अभी भी आपके कार्यकाल अभी शेष बचे हैं, उस कार्यकाल में विकास को लेकर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता हूँ, वर्तमान में रहता हूँ, मैं वर्तमान संवार रहा हूँ, भविष्य को संभावनाशील बनाने के लिए ही लगा हुआ हूँ। मैं चाहूँगा कि इस यह हमारी बेलथरा रोड विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बने और लोग यहाँ के लोग जाने कि हाँ, यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि। धन्यवाद के प्रधान मनोज राम जी, मेरे बड़े ही हृदय प्रिय सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई लंकेश जी, समाजवादी पार्टी के नेता मुन्ना यादव जी, हमारे सुभाषपा के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हरिनाथ जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामप्रीत राजभर जी, हमारे में इस रोड पीडब्ल्यूडी मार्ग से इस रोड का प्रस्ताव करने वाले देने वाले शोभनाथ राजभर जी, आपका क्या नाम है, पन्ना लाल जी, बिठुआ से हमारे सम्मानित सभासद राम मनोहर गांधी जी यहाँ उपस्थित, मुंडीलाल राजभर जी, रामचंद्र राजभर जी, शिव कुमार जी, पन्नालाल जी, राम समूह जी, रत्नेश मौर्या जी, घनश्याम राजभर जी, रामप्रीत राजभर जी, महेश राजभर जी, मनारसी भारती जी, सर्वजीत राजभर जी, घनश्याम भारती जी, प्रशांत भारती जी, तमाम ऐसे मेरे मित्र हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी यहां पर उपस्थित हैं। इस गांव के रहने वाले तथा बिठुआ के निवासी अन्य ग्रामवासी भाई जो हमारे आए हुए हैं, यहाँ प्यारे बच्चे हैं, मीडिया के साथी हैं, माताओं और बहने हैं, साथ ही प्यारे बच्चों, आज मुझे इस
पीडब्ल्यूडी मार्ग से बिठुआ तक तथा अमाए में गोधन राजभर के घर तक इस सड़क का उद्घाटन करने में अपार प्रसन्नता है। लेकिन इसके पहले आप सभी लोगों ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया उसने मेरा और ही हौसला बढ़ा दिया। मित्रों, आप लोगों ने एक बात कही कि जो अमाए में सड़क बनी है इसमें पानी का निकास नहीं है, आपने नाली बनाने की मांग किया, यह मांग आपकी जायज है। आप समझते हैं कि जब हमने पायजामा दिया है तो उसका नाड़ा भी हम ही देंगे, और इसकी जल निकासी का अगर पानी गिरने की समुचित जगह होगा तो निश्चय ही यह नाली जो है अगली गर्मी तक बन जाएगी। मित्रों, एक बात बात में किसी ने कहा कि बिठुआ और अमाए में काफी काम आपने दिया, मैं भी मानता हूं बिठुआ गांव मेरे बहुत ही करीब रहा है, लेकिन वहां के निवासी दुर्भाग्य से मेरे करीब नहीं बन पा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।